मैं गिरीश जोशी, हेमोफीलिया सोसाइटी का आज 25वीं सैलिग्राह पर मैं आपको हेमोफीलिया सोसाइटी की पहली ऑफिस पर लेके जा रहा हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम वो ऑफिस आपको दिखाने जा रहा है। ये ऑफिस से मैं करीब 36 साल से जुड़ा हुआ है और 25 साल से मैं ऑनररी काम कर रहा हूँ। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी पैमरोक्स की ऑफिस में। ये ऑफिस में मैं करीब 36 साल से काम कर रहा था और 25 साल से हेमोफीलिया सोसाइटी में ऑनररी काम कर रहा हूँ। आइए मैं आपको ऑफिस के अंदर लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग हेमोफीलिया सोसाइटी के पेशेंट को सर्व करते थे। ये हमारी पहली ही ऑफिस थी और मैं भूपेंद्र पटेल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शुरू में ये ऑफिस हमको फ्री, कोई किसी तरह का भी वो रेंट नहीं लेते थे। यहीं से सब पेशेंटों का एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क चलता था और हम ये पेशेंट लोगों को यहीं पे जो अपने हिसाब से गाइडलाइन देनी होती थी वो देते थे। सोसाइटी से हम लोग पेशेंट से 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस लेते थे और करीब 30 से 40 पेशेंट शुरू में थे। उसके बाद हम लोग ने, अगर उनको कुछ आइस की भी ज़रूरत पड़ती थी तो हम यहाँ पे, हमारा एक कमरा है वहीं से उनको, यहीं पे हम लोग फैक्टर भी रखते थे और उसको आइस भी देते थे। जैसे हर साल हम KM हॉस्पिटल में AGM और हेमोफीलिया डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह 25 साल पहले भी हमने यहाँ पे हेमोफीलिया डे और AGM करते थे। डॉक्टर से आते थे, डॉक्टर मोहंती, डॉक्टर घोष साहब, डॉक्टर देवीला साहू, और पेशेंट भी उस वक्त आते थे, अपना प्रॉब्लम बताते थे और उनको गाइड भी करते थे। भक्ति से शक्ति, शक्ति से ज्ञान और संगीत है सात सुरों की पहचान। भगवान गणेश वंदना से शुरुआत करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हर हिंदुस्तान की सदियों से परंपरा चलते आ रही है। तो पहला कुछ बाहर हम लोग भगवान गणेश जी के जन्म में अर्पण करते हैं। Thank you.
बारे में आवाज दिल तक कर सकते हैं, लेकिन उतनी प्यारी बेटी जरा आप लोगों की जोरदार तालियां होनी दीजिएगा प्लीज। लेकिन तालियां बजाने का क्या फायदा होता है मैं आप लोगों को बाद में कॉमेडी के दौर पर आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ पर लता मंगेशकर जी का एक प्यारा सा सॉन्ग यहाँ पर हो चुका है, उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब का भी सॉन्ग यहाँ होना जरूरी है। तो चलिए आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ रफी साहब के अंदाज में एक ऐसे आर्टिस्ट को, गुरुदेव जी को, उनके लिए जरा प्यारी सी जरा जोरदार से ताली होनी चाहिए प्लीज। और रफी साहब के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, कहते हैं कि साजे मौजूद पे वो साज कहाँ से ले आओ, वाह होनी चाहिए आप लोगों की, वाह होनी चाहिए, वाह होनी चाहिए प्लीज। साजे मौजूद पे वो साज कहाँ से ले आओ, तुझसे मिलता वो अंदाज कहाँ से ले आओ, साजे मौजूद पे वो साज कहाँ से ले आओ, तुझसे मिलता वो अंदाज कहाँ से ले आओ, दिल तो चाहता है कि तेरे नगमों को दुनिया में बिखेर दूं ऐ रफी, लेकिन तुझसे मिलता हुआ वो आवाज कहाँ से ले आओ, तुझसे मिलता हुआ आवाज कहाँ से ले आओ। तो चलिए आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाने जा रहे हैं जोरदार तालियों का स्वागत प्लीज गुरु जी। Thank you.
Thank you.
सुख दुख झूठे धन भी झूठा झूठी मो माया सच्चा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है खुशबू की आंधी है महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है महकी हुई सी अब सारी हवाएं है कोई हुई सी अब सारी दिशाएं है बदली हुई सी अब सारी अदाएं है जागी उमंगे है धड़क रहा है दिल सांसों में तू पाए होठों पे नगमे है आंखों में सपने है सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे है जब कोई आया था नजरों पे छाया था दिल में समाया था कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे तो ऐसा लगता था जैसे कमर के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे जैसे कोई चिपके सितार बजाए जैसे कोई चांदनी रात में गाए जैसे कोई हौले से पास बुलाए कैसी मीठी बात थी वो कैसी मुलाकात थी वो जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू है कैसे मंजिल और कैसे उतर
चढ़ता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस उसने बनाया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम बनने तो हम यूं ही मिलते हैं, कानों में मेरे जैसे शहद से खुलने लगे खाबों की दर जैसे आंखों में खुलने लगे, खाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगी थी, खाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी, खाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था, नजरों पे छाया था दिल में समाया था, जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तनहा तनहा, न तो कोई अरमा है न कोई तमन्ना है न कोई सपना है, जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं, मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। धीरूभाई अंबानी लाइफ साइंस सेंटर थाने बिलापुर रोड रबाले में नए युग में महाराष्ट्र इंडिया में सोसाइटी आई एम नॉट गोइंग टू कम इन बिटवीन द प्रोग्राम एंड यू फॉर मच टाइम अ क्विक लुक एट व्हाट स्टेप रिलायंस लाइफ साइंसेस इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट हैज कम आउट विद। You must be aware of this product, Hemoral A, which is the factor A, plasma derived factor A from Reliance Life Sciences. To brief quickly on the manufacturing and quality. तो हम तो डांसिंग कार में से चुराया। अरे बाप रे बाप। और ये क्या है? ये कहा है भैया? ये हेलमेट वास्ते टैक्सी से सीखा है। येलो कलर दूर से फोकस मारता है। इतना ट्रैफिक भाभी सुबह टैक्सी से दूर से नजर आता है। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना? ये तो इतना क्राउड में मैं फोकस कैसे पड़ेगा? तरी गया हमारा रिमोट चोरी हो गया। अच्छा तो आप इसलिए यहां पर आए? हम ही गोला का नहीं हूं ना। हमारा रिमोट मिल जाए तो अपना घर चले जाएगा। हाँ मार लो ट्राई मार लो। हम अच्छा हमारा रिमोट मिल जाए तो हम अपना घर चले जाए। मैडम हमारा रिमोट है सर जी, हमारा रिमोट दिला दीजिए, हम अपना घर चले जाएगा। नहीं तो ये गोला का है ना, हम तो ये गोला का नहीं हूं ना, बहुत दूर के गोला से आया हूँ मैं। मैडम टुकड़ कहा देखा गया? हमारा रिमोट है उछल कूद वाला नहीं, एकदम सिंपल डांस है। हाँ प्लीज। हाँ जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ से मैडम आप भी। हाँ प्लीज प्लीज एक स्टेप तो बनता है, एक स्टेप तो बनता है, हल्का सा एक स्टेप प्लीज, एक स्टेप तो बनता है, एक स्टेप तो बनता है प्लीज प्लीज। आ जाइए आप भी मैडम। अरे टुकड़ को कहा देखा दे, चला हमारे गोला का एक मिनट का डांस हम सबको खुश कर दे तो हमारा रिमोटा मिल जाएगा। हमारा रिमोटा खाते प्लीज, हल्का सा एक स्टेप करके आ जाना प्लीज। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए प्लीज प्लीज। हाँ बाद में मिल जाएगा, चाहे बाद में मिल जाएगी प्लीज, कोई बात नहीं, बहुत है बहुत है इधर। हाँ ए मैडम। अरे टुकड़ को कहा देखा दे, चला आवा प्लीज आ जाइए प्लीज सर जी प्लीज प्लीज आ जाइए प्लीज सर आ जाइए प्लीज। हाँ प्लीज आ जाइए, जल्दी आ जाइए जल्दी। हम नीचे आएगा तो ज़्यादा नचाएगा, हाँ ऊपर आ जाएगा तो कम नचाएगा, हम नीचे आएगा तो ज़्यादा नचाएगा। छोरी
भर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी भर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। मरवाएगा तू पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर, घर की छोकरो Fantastic, awesome performance. हाँ भाई माइक वा दे दो उनको। हाँ हाँ एक मिनट इससे बोलो। हमने बोला मैं ये गोरा का पिक्चर का बहुत चर्चा हो रही है मराठी फिल्म में 100 करोड़ के आसपास कमा लिए। कौन सी है उसका गाना, कौन सा हिट हुआ है? तो हो जाओ एक एक मिनट। अरे सैरट का लगा था भैया।
Thank you.